हमारा यह अकीदा है कि आईमे के नाम चाहे वो कोई भी इमाम हो जिन इमामों के नाम पर जमातें बनाई गई हैं जिन इमामों के नाम पर फिरके बनाए हम उन तमाम अइमा का एहतराम करते हैं बल्कि मैं ये कहूँ इंतहाई अमानत दारी के साथ इस मंबर रसूल से कि उन इमामों की जो इज्जत हम करते हैं अल्लाह की कसम कोई दूसरा नहीं कर सकता क्यों इसलिए कि हमारा अकैदा है अल्लाह के नबीम ने फरमाया कि अगर कोई शख्स हक बात के लिए कोशिश करता है अगर वो पहुंच गया तो उसको डबल सवाब मिलता है हक तक पहुंच गया तो उसको डबल सवाब मिलता है और हक़ तक नहीं पहुंचा कोशिश की तो भी उसको एक सवाब मिलता है। ये अइम कराम इन्होंने ऐसे वक्त में कोशिश की जब किताबें नहीं थी जब कंप्यूटर नहीं था जब कलम और दवात नहीं थे लोगों ने बड़ी मेहनतों से दीन पहुंचाया, बड़ी कोशिशें की हम उन तमाम अइमा की खिदमतों को तहसीन की निगाहों से देखते तमाम का तमाम अहतराम करते हैं और मैं आपको बता दूँ आप बताइए उन लोगों को तमाम अइमा ने ये बात कही है इंतहाई अमानत के साथ ये जो बात बता रहा हूँ मैं अपने इल्म के मुताबिक बता रहा हूँ लेकिन जब नबी की हदीस आ जाए और मेरी बात और नबी की बात आपस में टकरा जाए मेरी बात को छोड़ देना नबी की बात को तस्लीम कर लेना किसने कहा है अइमा ने कहा है तमाम इमामों ने यही बात कही है कि मेरी बात नबी की बात से टकराए तो नबी की बात ले लेना मेरी बात छोड़ देना हम उन अइम्मा की बातों पर अमल करते हैं हम नबी की बात को लेकर के अम्मा की बात को छोड़ देते हैं और अइम्मा की जो बातें नबी की बात के मुआफ़ हैं हम उन बातों को भी ले लेते हैं क्यों इसलिए कि उस पर नबी की सनद है ये हमारा मनहज है ये हमारा तरीक़ा है हम किसी भी इमाम को बुरा भला नहीं कहते हैं हम तमाम अम्मा का एहतराम करते हैं